वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का बज रहा है 6 और आपने इस ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरे ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ब्लॉग में पूरा एंड तक आप लोग बने रहना, ब्लॉग को एंजॉय करो। आई होप, उम्मीद है कि आपको पसंद आते होंगे ब्लॉग, और आज का भी आएगा। और सुबह का जो टाइम है, मैंने जैसे कि बताया हो रहा है, तो यहाँ पर मैं खाना पीना लंच बच्चों का तैयार करने में लगी हुई हूँ। और हमारा कूड़ा जो है ना, कल है संडे, मतलब आज संडे, लेकिन ये वीडियो कल का है, सैटरडे का, तो संडे को आंटी कूड़ा लेने आती नहीं है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह देख रही हूँ उनको कि अभी वो आई हो, तो मैं उन्हें कूड़ा देती हूँ। मैं इसी तरह देती हूँ, रस्सी है ना, इसमें बांध देती हूँ और यहीं से दे देती हूँ, तो वो नीचे से ले लेती हैं, फिर मैं जो भी ये डस्टबिन है तो मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो मैं वही देख रही थी उनको, हैं वो नीचे, उस सामने स्कूल है ना, तो वहीं पे झाड़ू लगाती हैं वो, तो वहीं पे झाड़ू लगा रही हैं। और मैं यहीं पे, मैंने सोचा कि चलो साथ में सब्जी भी कट कर लेते हैं। फिर मैंने अभी हाथ धुल के दोबारा से आई हूँ, तो यहाँ पर आलू जो है वो कट कर रही हूँ। और आयना ने बोला आलू की भुजिया बनाना है। मैं, आप लोग ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैं बहुत पतले पतले से, जैसे फ्रेंच फ्राइज होती है वैसी आलू की भुजिया बनाती हूँ कट करके। तो आलू कट करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आयना को बहुत अच्छी लगती है, तो बस इसीलिए मैं ऐसे वहीं सामने बैठ के कट कर रही थी, ताकि मैं इनको कूड़ा टाइम पर दे दूँ, वरना ये चली जाती हैं, फिर इनको बहुत देर तक देखना पड़ता है, आगे तरफ रोड में चली जाती हैं, फिर इनका टाइम नहीं, कभी 8:30 बजे आएंगी, कभी 9, कभी 10, तो इसी तरह लेट हो जाता है। फिर फाइनली मैंने उन दे दिए, मुझे दिख गई रोड में झाड़ू लगा रही थी, तो कूड़े का काम तो हो गया, वरना फिर एक दिन रखा रह जाता ना, तो या तो बंदर फैला जाते हैं या तो खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हाँ थोड़ा कूड़े की भी टेंशन जो है वो रहती है। फिर आ गई हैंड वॉश करके, अब यहाँ पर मैं सब्जी जो है वो पहले बना दे रही हूँ, क्योंकि यशी को जो है वो थोड़ा जल्दी जाना रहता है। खैर आज तो सैटरडे है तो उसे जाना नहीं है, लेकिन आयना को जाना है। और यहाँ पर मैं साथ में दाल भी, अब क्या है ना, किचन में जब घुसती हूँ मैं, तो मुझे लगता है जितने जल्दी काम हो जाए तो हो जाए, साथ के साथ में करते रहो तो हो जाते हैं जल्दी, तो मैंने कुकर में दाल भी निकाल करके रख दी है। और सॉरी, ये वीडियो फ्राइडे का है, सैटरडे का नहीं है, मुझे, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। तो मैं अभी यशी की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ ना, तो मुझे ये ड्रेस देख करके याद आया कि सैटरडे का नहीं है वीडियो। तो क्या है कि कल मैंने कपड़े धुले थे, तो रात में सूख नहीं पाए, तो यहीं कमरे में मैंने दरवाजे में टांगे थे तो सूख गए, तो अभी मैं फटाफट से कर देती हूँ उनमें प्रेस। अभी सिर्फ यशी की मैं करूँगी, आयना 8:30 बजे जाती है, तो उसमें मैं बाद में आराम से कर दूँगी, क्योंकि अभी किचन में क्या है कि बस सब्जी बनी है, अभी मैंने आटा भी नहीं लगाया है, और रोटियों का काम, पराठों का काम बचा हुआ है। और 7:30 तो यूं बच जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी एक मिनट मुझे मिलता नहीं है कि मैं यशी से थोड़ा बातें कर लूँ। मुझे लगता है कि अभी यशी सारा दिन के लिए चली जाएगी, तो थोड़ा इनको अच्छा फील करा दे, बात कर ले तो इनको अच्छा लगेगा। तो बस वही थोड़ी देर आई थी किचन में, जब उठकर आई थी तो मेरे पास ही आती है सीधा, मैं किचन में ही थी, तो थोड़ा उसको गुड मॉर्निंग बस विश कर दिया और फिर लग गई अपने कामों में। अभी मैं बना ले रही हूँ पराठे, और मेरे बच्चों को रोटी नहीं दे रही, मुझे लंच में रोटी देना ठीक नहीं लगता है, तो मैं पराठा ही देती हूँ, और पूड़ियाँ तो आए। अरे बच्चा तैयार हो गया क्या? देखो। अरे ये भी तैयार हो गया क्या? हाँ। ये भी जाएगा क्या? नहीं, अच्छा यशी, आपके लिए मिल्क यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ठीक है? वाह, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ये पानी में रख दिया मैंने। ब्रेड, जैम, सॉस, दोनों चीज़ें निकाल के रख दिए मैंने, और रख क्या दिया, मतलब सॉस लगा के ब्रेड दे दिया यशी को, तो वो खा रही है। और यहाँ पर लंच जो है वो दोनों का पैक करके मैंने पहले पोछा है, और क्योंकि गीला था रखा था, तो मैंने पोछा है, और साथ में दोनों का ही लंच में पैक करके रख दे रही हूँ। अभी बॉटल भी फिल करनी है, रात में मैं भूल गई थी, तो ठंडा पानी रखा हुआ है, तो उसी से मैं फिल कर दूँगी। और यहाँ पर लंच किया, कल पक्का यही दूंगी, यही कल, प्रॉमिस। गाइस, हस्बैंड तो यशी को नीचे छोड़ने गए हैं, अब वो जाएगी स्कूल, और उसके बाद वो उधर से जाएंगे, चाय पत्ती खत्म थी तो चाय पत्ती लाएंगे और मिल्क लाएंगे। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, अभी 7:30 बज रहा है, आयना को बोल रही हूँ नहा लो, बट वो नहा नहीं रही, तो मैं ही चली जाती हूँ। और आज बहुत गर्मी है, मतलब आप सोच सकते हो 7:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो दिन में क्या होने वाला है, मुझे लगता है सारा दिन एसी चलेगा। मैं जा रही थी नहाने, तो फट से अपने घुस गई,
कुछ नहीं शैतान बच्ची। ये गए हुए थे मिल्क लेने, साथ में मैंने चाय पत्ती मंगवाई थी, तो चाय पत्ती वाला डिब्बा भी निकाले, उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी खत्म हो गई थी, तो मैंने फुल कर दिया है ये चाय पत्ती वाला डिब्बा। और यहाँ पर आईना का भी अब बैग जो है वो लगा दिया है। तो ये कह रही थी कि इस वाली बॉटल से पानी लीक होता है, तो मैं दिखा रही हूँ कहाँ से लीक हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लीक हो रहा है इससे, पता नहीं या तो इससे अच्छे से कैप लगाती नहीं होगी बॉटल की या जो भी, लेकिन पानी नहीं लीक हो रहा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जी है ये आयना ने बनवाई थी, तो उसको अभी भी खानी थी। आयना बेटा जल्दी से मिल्क फिनिश करो, अंजली मौसी आ जाएगी, बहुत जल्द बताओ पहले बुलाएंगे, अक्टूबर में बुला लो। अक्टूबर में क्या है, तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं ना, फिर भी बुला लो। ठीक है बुला लेंगे। अभी बच चुके हैं एक, हमें बस पराठा सब्जी खा कर के आ रही हूँ, पानी पी लेती हूँ पहले, फिर आपको बता रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं ये कह रही थी एक बज रहे हैं और मेरे पास अभी 40 मिनट घर को चमकाने का, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला है और मेरी मेड गायब हो गई है, वो बहुत ज्यादा छुट्टी कर रही है, जिसको झाड़ू पोछा भी मैंने लगाया, तो मैं तो सोच रही हूँ हटाई दे दी उसको, क्योंकि कभी कभी बहुत मूड खराब हो जाता है, अभी इतनी ज्यादा छुट्टी करेगी वो। अभी मुझे झाड़ू लगानी है, सामान भी बहुत बिखर रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब से बच्चे स्कूल गए तब से मैंने कुछ भी सफाई वफाई वाला काम जो है वो किया ही नहीं है। तो चलिए पहले फटाफट सामान रख देते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं। के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेड मिलना और उनका टिकना, उनका अच्छे से काम करना, क्योंकि ये लोग एक तो इतना ज़्यादा काम पकड़ के रखते हैं, ना अच्छे से काम करेंगे, कोई वो ही नहीं रहता है कि टाइम से आना है, या इनफैक्ट मैं कोई बात नहीं चलो छुट्टी कर लो तबीयत खराब है या जो भी है, लेकिन इनफैक्ट बता तो दो, नंबर भी ले रखा है, नंबर दे भी रखा है, फ़ोन हर वक्त इन लोगों के हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी ना कॉल करके बताएंगी, कॉल करो तो उठाएंगी नहीं, बड़े नाटक है। फिलहाल मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और कल भी नहीं आई थी ना वो, तो सीढ़ियाँ गंदी हो गई हैं, तो सीढ़ियों पे पहले मैंने लगाया है, उसके बाद घर के अंदर मैं लगा लूँगी सीढ़ियाँ। मैं यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह भी इनकी उतरी थी और आयना की भी उतरी थी गेट के सामने ही, तो मैंने वो स्टैंड में रख दी हैं। और ये जो भी डोर मैट दो आपको दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पर रेलिंग में इसलिए पड़े थे क्योंकि ऊपर एसी रखा है, और उससे ये तो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वालों का एसी, हमारा वाला ऊपर रखा हुआ है, तो उससे भी पानी गिर रहा था, तो क्या रहा था नीचे जा रहा था, गीला हो रहा था, तो मैंने डोरमैट से वहाँ पर रख दिए थे, तो उसी में डायरेक्ट बूंदे गिर रही थी, तो सोख कर ले रहा था, नीचे तक नहीं जा रहा था, इसीलिए रख दिया था मैंने, फिर बाद में हटा दिया, एसी बंद कर दी थी मैंने। और उसके बाद फिर अब अंदर झाड़ू लग रही है, साथ के साथ में और भी सामान जैसे टॉवल को धूप में डालना ये भी करती जा रही है, मतलब कुल मिला के मेरे को लग रहा है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर साफ कर दूँ। यशी आ जाएगी, मैं चाहती हूँ यशी के आने से पहले घर साफ कर दूँ, तो मैं फ्री रहूँगी, मेरा सामान वगैरह बिखरा रहता है ना, तो मेरे को टेंशन होती है, और बच्चे आएंगे अभी उनकी ड्रेस चेंज कराओ बैग लगाओ तो थोड़ा बहुत और बिखरता रहता है, तो इसीलिए इनके आने से पहले घर को मैं चमका देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वाले रूम में भी कपड़े वगैरह फैले हुए थे, टॉवल हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, टॉवल है, तो ये धूप में डालनी है जो भी कपड़े हैं, तो मैं इनको अभी धूप में डालूंगी। और ये कर्टन मैंने लगा दिया है, कर्टन लगा रहता है ना तो बहुत सुंदर लगता है मुझे रूम। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जो फोल्ड किए हुए रखे हैं, तो उन्हें जा रही हूँ कबर्ड में रखने। तो गाइस घर की जो साफ सफाई करनी थी वो सब कर दी है, कपड़े भी यहाँ पे जो थे वो कबर्ड में रख दिए हैं, टॉवल धूप में बाहर डालनी थी तो मैंने डाल दी वैसे धूप लेने के लिए, लेकिन हवा से तो सूख ही जाएंगी। झाड़ू वाड़ू भी लग गई है, अब बचा है किचन का काम, किचन के काम में बर्तन मुझे स्टैंड में लगाने हैं, और अभी बच्चों के लिए रोटियां बनानी हैं, तो उतना काम मैं कर लेती हूँ, फिर मैं हो जाऊँगी एकदम। क्या होता है ना सुबह एक बार तो पहले बच्चों के पराठे बनते हैं, फिर हस्बैंड के लिए रोटियां बनती हैं, और उसका थोड़ा आटा जो है मैं रख देती हूँ कि जब बच्चे आएंगे उसी वक्त गरम गरम मैं बना दूंगी, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लंच में ठंडे पराठे उन्हें खाने पड़ते हैं। तो अभी मैंने बना लिए हैं, और अभी बज रहे 1:28, तो 5-10 मिनट में वैन आ जाएगी यशी की, तब तक मैंने सोचा चलो किचन साफ़ कर लेते हैं। ऊपर तरफ क्या है कि डेली तो नहीं साफ़ करती, जो गैस के पास में ऊपर वाला एरिया है, लेकिन हर 3-4 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ रहता है। और चलिए ये वाला व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।